साथियों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं बिश्नोई 100 चैनल पर। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सच है कि जो जंगल में गरीब लोग रहते हैं उनको ये जो स्मगलर हैं ये मिसयूज करते हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे ही शिकार कराते हैं? क्या हमारा देश कोई ऐसा योजना ला रहा है जैसे वहाँ के लोगों को कोई इंसेंटिव दिया जाए, उनकी रोटी रोजी का प्रबंध किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए कि इसके क्या एनवायरनमेंट असर पड़ते हैं, क्या इसका नुकसान होता है? क्या हमारे देश ने ऐसा कोई उपाय सोचा है? मैडम, ऐसा नहीं है कि जो जंगल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादा पोचिंग हो रही है या वो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये देश तो मैं इस समय विश्नोई समाज की वीरांगना अमृताबाई को नहीं भूल सकता, जिन्होंने पेड़ों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 363 लोगों के साथ शहादत को वरा है। तो हम ऐसे विश्नोई समाज के और भी देश भर में जो लोग हैं उन्हें जंगलों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लगाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर विश्नोई समाज को आग्रह करना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना। मोर्चा खो सकते हो लेकिन युद्ध नहीं हारोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई सालों और सदियों से वन्य संरक्षण के लिए चल रही है। और जो जो इस देश के लोग वन्य संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण में लगे हैं उन सबको उस काम में लगा करके लामबंद करने का काम हम रेटिफिकेशन के बाद, नेगोशिएशन के साथ, वॉशिंगटन कन्वेंशन के अतिरिक्त, यानी ये तो नियम और कानून है लेकिन अंतोगत्वा समाज को भी हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया जारी करेंगे। थैंक यू।